गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी पार्ट 2 आत्मकथा संस्मरण। गांधी जी के आत्मकथा अंश से लिया गया है। पिछली क्लास में हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से कि कुछ दिन कसरत से उसको लेखक को छुट्टी मिली तो उनके पिताजी ने हेडमास्टर को चिट्ठी लिखी और उनकी सेवा के लिए उन्हें घर बुलाया। ठीक है, आगे देखिएगा। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा, इसी कारण शरीर के मेहनत न लेने की भूल से शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ी हो। ठीक है, लेखक ने व्यायाम की जगह क्या रखा, कसरत तो नहीं कर पाते थे लेकिन क्या रखा, घूमना जारी रखा, इसी कारण शरीर में मेहनत नहीं करने की वजह से उनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ। परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ, लेकिन उनकी दूसरी भूल की सजा वो आज तक पा रहे हैं। पढ़ाई में सुलेख होने की ज़रूरत नहीं, उन्हें क्या लगता था कि पढ़ाई करने के लिए सुलेख लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जाने तक रही, विलायत यानी विदेश तक जाने तक रही। लेखक के मन में ये था कि पढ़ने लिखने के लिए सुलेख लिखना जरूरी नहीं होता है, यानी कि लिखने का अभ्यास जरूरी नहीं होता है। ये बुद्धि उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आई, जो ठेठ उनके विदेश जाने तक रही, फिर खासकर दक्षिण अफ्रीका में। खासकर किस, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के लिए और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती के दाने की तरह अक्षर देखे। जब लेखक बाहर गया दक्षिण अफ्रीका में, वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में पढ़े लिखे लोगों के उन्होंने हैंडराइटिंग देखी, सुंदर लिखावट, तब तो मैं बहुत लजाए और पछताया। तब उनको ऐसे बहुत ही शर्म आई और पछतावा भी हुआ कि देखो इनकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। हमारी हैंडराइटिंग का गंदा होना भी हमारी अच्छी अधूरी शिक्षा की एक निशानी है। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के गड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है। लेखक ने फिर बड़े होने के बाद जो है वापस वो लिखना, अपने हैंडराइटिंग सुधारने का काम किया, लेकिन वो कह रहा है कि पक्के घड़े पर मिट्टी यानी कि घड़ा पक जाने के बाद उस पर मिट्टी नहीं ठहरती है। तो एक बार हमने भी प्रयास कर लिया, फिर बड़े हो गए, उसके बाद कोई सुधार नहीं हो सकता। जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की उसे मैं आज तक सुधार नहीं पाया। उस बात को, लेखन कला को उन्होंने उस टाइम अवहेलना की थी, अनदेखा किया, तो उसको वे आज तक नहीं सुधार पाए। एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर शिक्षा ले और समझे कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है। जो आज के युवा और युवतियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, वो इस लेखक से शिक्षा ले कि हमारी पढ़ाई में क्या है, लिखना बहुत ही आवश्यक है। खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि लिखने के लिए हमें क्या है, लेखन कला के लिए हमारी हैंडराइटिंग का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। कि बालकों को लेखन कला पहले सीखनी चाहिए, बच्चों को लिखने की कला पहले सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। जिस प्रकार छोटे बच्चों को, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि उनको कोई भी वस्तु, पक्षी, फल के बारे में बताते हैं तो वो देखकर क्या है, जल्दी याद रखते हैं, आसानी से उनको पहचान पाते हैं। तो हमें भी अपने अक्षरों को अच्छी पहचानने के लिए लेखन कला का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। और जब लेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, जब उनको लेखन कला आ जाती है तो चित्र वगैरह भी पहचानने सीख जाते हैं। तब यदि अक्षर पहला सीखे, अक्षर लिखना सीखे, तो उसे अक्षर छापे की तरह हो जाएंगे। जब लेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि निकाल जाते हैं, तब यदि अक्षर लिखना पहले सीख ले तो उसके अक्षर क्या होते हैं, एकदम मोती की तरह, उनकी हैंडराइटिंग छापे की तरह हो जाती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके।